हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम। सबको पता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबको पता है कि हर एक बच्चे में जो कैलिबर है वो डिफरेंट तरीके का है, वो अपने आप में जो कैपेबिलिटीज रखता है वो डिफरेंट है, वो अपने आप में विनर है, अपने आप में चैंपियन है, लेकिन फिर भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन उसका तो जेई में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? उसका तो नीट में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे हमारे साथ भी होता है, अरे उसके तो व्यूज आ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? सो ये कंपैरिजन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज मैं स्पेशली कंपैरिजन करने वालों को, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं और उनके पड़ोसियों को बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे से कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। वो अपने आप में एक विनर है और ये एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्योंकि वो अपने आप में विनर है, वो अपने आप में चैंपियन है। और अगर आपने कंपैरिजन करना बंद नहीं किया तो वो अपने आप पे शक करना शुरू कर देगा कि क्या मैं कुछ भूल गया। कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा, और अगर आप खुद सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप यूनिक है, आप विनर है, आप चैंपियन है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। सो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। ये है मेरी कहानी, मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।